प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को शुभकामनाएं। नानु निम्म रुद्रेश आचार्य, हिंदी शिक्षक, बीजीएस रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, शरत नगर, शिवमोग्ग। आप सभी दसवीं कक्षा का बसंत की सच्चाई पाठ को देखिए। इस पाठ का लेखक विष्णु प्रभाकर। इस पाठ में तीन दृश्य आते हैं, पहला दृश्य, दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य। इस पाठ में कुछ पात्र आते हैं, देखिए ये पाठदल्ली केलो पात्रगळु बरुत्ते, नोडि परिचय माड्कोळ्ळि। बसंत एक गरीब शरणार्थि लड़का, बसंत अंतनोब्ब बड़ा बालक। प्रताप बसंत का छोटा भाई। पंडित राजकिशोर एक नेता, नेता अंद्रे ओब्ब मुखंड। डाक्टर तथा दो राह चलते व्यक्ति, डाक्टर मत्ते जोतेगे राह चलते व्यक्ति अंद्रे दारी होतक्कंत व्यक्तिगळु। ಇಷ್ಟು ಜನ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಇದು ಒಂದು ನಾಟಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ, ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪಹಲೆ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ದೇಖಿ, ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ನೋಡೋಣ. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಏನು ಮುಜಫುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೀರಾಪುರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಅದು 1912 1912 ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜಿ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಲೇಖಕ ಮಾನ ಜಾತೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಲೇಖಕ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಕ ದರ್ತಲ್ ಪರ್ ಭಾವಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಏಕಾಂಕಿ ವಿಶೇಷತೆ ಹೇ. ಇವರೆಲ್ಲ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಇನ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆ, ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಯಾವಂದರೆ ಆವರ ಮಸಿಹ, ತಟಕೆ ಬಂಧನ್, ನಿಶಿಕಾಂತ್, ದರ್ಪಣಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಧರ್ತಿ ಅಬ್ಬಿ ಧೂಮ್ ರಹಿ ಹೇ, ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ, ಗೃಹಸ್ಥಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಾಟಕದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬನ್ನಿ. ಛನ್ನಿ ಲೇ ಲೋ, ಬಟನ್ ಲೇ ಲೋ, ದಿಯಾ ಸಲಾಯಿ ಲೇ ಲೋ. ಸಾಹಬ್ ಬಟನ್ ಲೀಜಿಯೆ, ದೇಶೀ ಬಟನ್. ಸಾಹಬ್ ದಿಯಾ ಸಿಲಾಯಿ ಲೀಜಿಯೆ. ನಹೀ ಭಾಯಿ, ಕುಚ್ ನಹೀ ಚಾಹಿಯೆ. ಸಾಹಬ್ ಸವೇರೆ ಸೇ ಅಬ್ ತಕ್ ಕುಚ್ ನಹೀ ಬಿಕಾ ಹೈ, ಏಕ್ ತೋ ಲೇ ಲೀಜಿಯೆ. ತುಮ್ ತೋ ಅಚ್ಚಾ, ತುಮೇ ಪೈಸೆ ಚಾಹಿಯೆ, ಯೇ ಲೋ ಪೈಸೆ ಔರ್ ಜಾಓ. ನಹೀ ಸಾಹಬ್ ನಹೀ, ಮೈ ಪೈಸೆ ನಹೀ ಲೂಂಗಾ, ಯೇ ತೋ ಭೀಕ್ ಹೈ, ಮೈ ಭೀಕ್ ನಹೀ ಲೂಂಗಾ, ಆಪ್ ಛನ್ನಿ ಲೇ ಲೇ. भाई मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट हैं, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा. लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ, आप यहीं ठहरें, मैं पलक मारते ही आया. कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए. तो बस अब वो नहीं आएगा. बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है. पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है. पर भाई वो लड़का तो मुझे भला लगता था. चलो कोई बात नहीं, समझेंगे. 1 रुपया देकर ये भी एक पाठ पढ़ा. क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? कौन, वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं. क्यों भाई, क्या बात है? जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचल गए, वो बेहोश हो गया, इसलिए आपके पैसे देने ना आ सका. बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए, बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा. मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ. तुम्हारे घर में कौन है? कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीकू अहीर के घर में रहते हैं. दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला. बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ. अमर सिंह, मैं अहिर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ. भीखू अहिर का घर पूछ लेना,
बड़ा दर्द है। दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिल जाता। चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो। मैं पहुँचा दूँ? हैं, मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। यह रहा साहब, आप आए हैं, आप न जाने क्या सोचते होंगे। चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। हेलो पंडित जी, तो ये लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। ऐसा लगता है कि इसके एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। ये गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, ये ईमानदार है।